तो यार गाइज कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रूबन टोन इफेक्ट को सिंपल ट्रिक में कैसे बना सकते हो, वो भी लाइटरूम एंड स्नैपसीड की मदद से। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो हमें फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम ऐप में। तो यहां से हम ऐड टू एलआर कर लेंगे। तो हम आ चुके हैं लाइटरूम ऐप में। तो यहां पर हमें मेनू में जाना है और यहां पर हम सबसे पहले यहां पर जो ऑटो दिख रहा है इस ऑटो को चूज कर लेंगे। उसके बाद हमें जाना है कलर मेनू में और यहाँ पर हम वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम जो मिक्स है ऊपर मिक्स ऑप्शन उसमें जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रीन कलर पर जाएंगे और यहाँ पर उसका ह्यू को हम पूरा डाउन कर लेंगे 100 तक और उसके बाद हम जाएंगे येलो कलर पर और उसका ह्यू को भी हम पूरा डाउन कर लेंगे 100 तक। अब उसके बाद हमें जाना है ऑरेंज कलर पर और यहाँ पर उसका ह्यू को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे और यहाँ पर सैचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर स्काई कलर पर और उसका सैचुरेशन यहाँ पर हम पूरा डाउन कर लेंगे और जाएंगे अब ब्लू कलर पर और उसका सैचुरेशन भी पूरा डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद हमें जाना है रेड कलर के ऊपर और यहाँ पर ह्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को बस थोड़ा सा डाउन करेंगे और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हमें फोटो को कर लेना है डन। तो उसके बाद हम जाएंगे गाइज यहाँ पर प्रोफाइल पर और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है आर्टिक्स 3। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिक्स 3 को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइज अब हमें जाना है इफेक्ट मेनू में और यहां पर विगनेट को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है डाउन, बस थोड़ा सा ही करना है विगनेट को और यहां पर टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ पर डीएस को भी हमें थोड़ा सा बढ़ा लेना है और उसके बाद हम जाएंगे फीडर के ऊपर और फीडर को यहाँ पर हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। अब जाएंगे हाईलाइट के ऊपर और हाईलाइट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो गाइज अब हमें जाना है डिटेल्स में और यहाँ पर शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और नोवेडेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ पर कलर नोवेडेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर इस डिटेल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस और उसके बाद यहाँ से हम फोटो को कर लेंगे डन। तो गाइज इतना हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव और इस फोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपसीड ऐप में। तो यार गाइज हम आ चुके हैं स्नैपसीड ऐप में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना है मेनू में
और यहाँ पर हमें जाना है कर्व्स में, और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है उसे चूज़ करना है, और यहाँ पर से हम इफेक्ट चूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम F01 इफेक्ट चूज़ करेंगे, और इसमें लाइन को हम बीच में से सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से फ़ोटो को कर लेंगे डन। तो अब हमें जाना है फिर से मेनू में, और यहाँ पर हम सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फेस, ये जो मॉडल की स्क्रीन दिख रही है उसको चूज़ करेंगे, और यहाँ पर ब्राइटनेस को बस थोड़ा सा ही बढ़ाना है हमें, और सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, और बिल्कुल उसी तरह हेडिंग के ऊपर भी करेंगे। तो गाइज उसके बाद यहाँ से कर लेंगे डन। तो गाइज फिर से हम जाएंगे मेनू में, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ग्रैनी फिल्म, और यहाँ पर हमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसे चूज़ करना है X05, और यहाँ से हम ग्रेन को एकदम ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल स्टैंड को हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। तो गाइज उसके बाद यहाँ से फ़ोटो को कर लेंगे डन। तो गाइज यहाँ पर हमारा फ़ोटो हो चुका है रेडी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ से हम फ़ोटो को कर लेते हैं सेव।